ओपिनियंस देने वाले भैया इतने लोग बैठे हुए हैं ना क्रिकेट फैंस में, जो कि मतलब शायद मुझे लगता है जिनको बैट भी पकड़ना नहीं आता होगा, वो अपना ओपिनियन ऐसे रखते हैं ना कि ऐसे मारना था ऐसे मारना था। लाइक एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आवर वाइंस करके एक चैनल है, और इस वीडियो के लिए ना मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये ना इनका एक लेटेस्ट वीडियो आया उसके ऊपर आप रिएक्ट करो। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है टाइप्स ऑफ क्रिकेट फैंस। जैसे कि अभी हमने देखा वर्ल्ड कप था, तो बहुत सारे यू नो कंटेंट आपको मेरे चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड मिले थे, पर ना इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्रिकेट में अलग अलग फैंस किस किस टाइप के होते हैं, यानी कि क्रिकेट को लेके उनका जुनून किस हद तक होता है और कौन क्या क्या एक्टिविटी करता है। शायद इसके अंदर कुछ लोगों की मिमिक्री भी ऐड की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। मौका गए फाइनली वी डिड इट गाइस। सुहाना लगता है इंडिया का, वापिस घर आना लगता है। सही गाना बनाया यार, पेट्रियोटिक देशभक्त। इंडिया विन, सारा मैच हरवा दिया गाइस। हम आज मैच हार गए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपनी टीम से नफरत करें, इन्हें गालियां दें। ये हमारा फखर है, हमारी आन शान बान जान मान हान है, और ये हारे या जीते हमें इनसे प्यार है। बाबर आजम 2023 का वजीर आजम बनेगा, मोहम्मद रिजवान उसके साथ सदर बनेगा, लेकिन हमारा क्या बनेगा? डोंट नो, जिसको कुछ पता ही नहीं होता यार, अनाड़ी खिलाड़ी है, बेकार खेल रहा है। बाउंसर खेलना नहीं आता यार इसे, ये बाउंसर इनको पता नहीं इस तरह खेलते हैं यार, इस तरह वाले बहुत हैं। अब इस तरह कौन खेलता है, कैच ही निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। अब क्या हुआ, बच गई विकेट इसकी। यार यॉर्कर पे कोई यार ऐसे शॉट मारता है, यॉर्कर तो इस तरह उठाते हैं। अबे तुझे क्रिकेट की इतनी नॉलेज है, तुम मुझे बता कि एक टीम में कितने बंदे होते हैं? इतना आसान टोटल 9 खिलाड़ी। जाहिल इंसान 11 खिलाड़ी होते हैं। इतना पता नहीं हो, बकवास किए जा रहे हो यार। 2 को रेड कार्ड मिल गया है ना। क्रिकेट में रेड कार्ड कहाँ होता है? अबे तुम मुझे ये बता, क्रिकेट में तेरा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? यार वैसे तो बहुत है, लेकिन 2 को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक इब्राहिम च्विक और दूसरा पोगा। अबे वो इब्राहिम मोइच okay. और पोगबा है, और वो फुटबॉल की फेमस खिलाड़ी हैं। क्या कम अकल बंदे हैं। तो ये फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं है? अबे जाहिल बंदे, पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, दिमाग है या नहीं? यार मेरा वैसे इतना टाइम जाया कर दिया, मैं तो फुटबॉल का शौकीन हूँ, मुझे नहीं देखने ये। तू जा यार, इसमें तेरी गलती है, तू जा। कम कम अकल लोग आ जाते हैं। सो कॉल्ड फ्रेंड, क्या बॉल की है, इतना सा बचा है विकेट से यार। ये शाहीन ही मना कर, ये की बॉलर हमारे पास किसका मैच है? पाक इंडिया का, वही और शाइन का। शाइन का अपना लंगोटिया है यार। लंगोटिया कौन? अपने जिगरी है ये पॉलर शाइन। हाँ यार, रिश्तेदार है मेरा। रिश्तेदार? हाँ यार, हमें भी मिलो। रिश्ता क्या है, रिश्ता बता। रिश्ता यार, मेरे चाचे के नाने के नवासे के कजन के मामू का दोस्त का पड़ोसी है। और तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोगों को मिलवा दूंगा, पहले मैं खुद तो मिल लूं। प्रेमी दे मैच खोजो गोरम का ना। ऐसे होता है ना। जरा रुको, एक बात तो बताओ,
तो इस हिसाब से तुम्हारा क्या हुआ यार? डर नहीं कम है शौक ना कोई जे मना जैसे खुद जमान मुरलीधर मामा आजमी रे ये मैच फिक्स है, सब लोग बोलते हैं ना ऐसे ये पाकिस्तान हारेगा फिक्स मैच देख रहे ओए वाइड देख, मैं तो कह रहा हूँ फिक्स कितना बड़ा वाइड किया है फिक्स मैच देख रहे हैं चक्का देखा, मैं कह रहा हूँ फिक्स है यार, तुम लोग नहीं मान रहे। यस पाकिस्तान जीत गया। तू तो कह रहा था मैच फिक्स है ना, ये देख जीत गए हम। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैच फिक्स है, तभी तो पाकिस्तान जीता। अगर फिक्स ना होता तो पाकिस्तान जीतता यार ऊपर की खबर नहीं समझ। तू क्रिकेट क्यों देख रहा है? जा निकल यहाँ से। फिक्स है दिमाग खराब कर दिया। ऐसे फिक्स बोलने वाले तो बहुत है। जा एग्रेसिव Pakistan done it and Pakistan won it. Here's a middle finger for you people. Wow, we are unstoppable. We are unpredictable. Don't underestimate us. Wow. Anxiety. बारह बॉल 24 रन आसिफ अली तू कर लेगा। मुझे तो कैच होने वाला है। एहसान में गणा यो हो मेरा पास हो बल खबर इम के जखो जन देम से रा पा दे सो रम राखो मड़े मेरा पास ही दा बूट वो दे दा दुम रस खा दे अच्छा था यार। ओके छोटा वीडियो था बट काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और एंटरटेनिंग वीडियो था। और मुझे जो सबसे अच्छा जो यू नो सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा वो मैच फिक्सिंग वाला, मतलब वो बंदा इतना कूल डूड होके बैठा है और हंस रहा है कह रहा है अरे मुझे पता है मैच फिक्स है ये मैच फिक्स है वो वाला मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा इस पूरे वाइन का जो पार्ट था। अपने ओपिनियंस देने वाले भैया इतने लोग बैठे हुए ना क्रिकेट फैंस में जो कि मतलब शायद मुझे लगता है जिनको बैट भी पकड़ना नहीं आता होगा वो अपना ओपिनियन ऐसे रखते हैं ना कि ऐसे मारना था लाइक वो जो दो दिखाए थे ना जो बाद में बोलता है कि मुझे लगा था कि ये वॉलीबॉल का वर्ल्ड कप है ऐसा कुछ करके, तो वैसे लोग तो सच में मैंने बहुत देखे जिनको कुछ भी नहीं पता होता बट वो अपनी राय ज़रूर देते हैं कि ऐसे मारते तो शायद ये हो जाता, वैसे मारते तो ये हो जाता, इस प्लेयर को ऐसे शॉट मारना चाहिए था, ये क्यों आउट हो गया। इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं मैच देखते देखते कि बस अभी यू नो सब टीवी टावी सब तोड़ देंगे कि आप हटो हम खेलने आ जाते हैं। छोटा वीडियो था बट मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर अगर और भी कुछ यू नो तड़का ऐड किया जाता तो वीडियो और ज़्यादा एंटरटेनिंग बन सकता था बट स्टिल इट्स गुड। लास्ट में जो एंग्जाइटी पर्सन था ना मिर्गी का दौरा पड़ जाता है एंग्जाइटी हो जाती है वो मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा। और उसको लास्ट में वो जूता अपनी यू नो शू का स्मेल जो है वो सुंघाते हैं उसके बाद वो जागता है वो वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा फनी था। थोड़ा सा ना मुझे इस वीडियो में लैंग्वेज का इशू हो रहा था, वो कौन सी लैंग्वेज वो बोल रहे थे मतलब मोस्टली इसके अंदर जो है पठान लोग दिखाए थे बट मैं लैंग्वेज नहीं समझ पा रही थी कहीं पे, जैसे वो एंग्जाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया ना वहाँ में उन लोगों की जो कॉन्वर्जेशन हो रहा था मैं उनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं आपस में। तो आई थिंक ये कुछ पठान लोगों की अपनी लैंग्वेज होती है ना क्या होती है मुझे वो एक वर्ड होता है वो याद नहीं आ रहा वो था, बट इनका मुझे पहली बार मैंने इनके वीडियो पे रिएक्ट किया और वाइंस की बट मुझे अच्छा लगा मज़ा आया। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा है पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखें।